आदमी में इच्छा शक्ति हो तो पूरी दुनिया को जीत सकता है। बड़ा से बड़ा काम बड़े सरलता से बड़े आसानी से कर सकता है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से परिचय करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर जयदेव बघेल। हमारे परिवार ये पारंपरिक कला से करते हुए आ रहे हैं, तो हमारे पिताजी भी ये काम मूर्ति काम करते थे, तो वो काम मैं भी सीखा, पिताजी से सीखा हूँ। जी और एक मूर्ति का काम बेल मेटल का ढोकरा शिल्प बोलते हैं, जाति घड़वा शिल्प बोलते हैं, तो ये मैं करते आ रहा हूँ। पहला बार मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया राज्य पुरस्कार देना, 1976 में फर्स्ट प्रथम पुरस्कार राज्य शासन से मिला, जी और उसके बाद चलते रहे फिर प्रतियोगिता के लिए, मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। बाद में उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए फिर जमा की कलाकृति, तो 1977 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 77 में सबसे कम उम्र का था राष्ट्रीय पुरस्कार लेने में, इसलिए 1978 में रूस में मेला होना था, रूस भेजा गया चुन के। फिर मैं रूस में 3 महीना अपने काम करके दिखाया। फिर उसके बाद में फिर मेरे को 1982 में भारत भवन का उद्घाटन करना था, इसलिए उस समय फिर मेरे को शिखर सम्मान मिला इंदिरा गांधी से, शिखर सम्मान 1982 मिला। फिर उसके बाद में एक कला के करते रहे, और संस्था जो मैं शुरू किया पारंपरिक बस्तर शिल्पी परिवार के नाम पे, तो उससे सभी शिल्पियों को लेके किया, इसलिए हमारे पूरे बस्तर के जो शिल्पी हैं, हमारे बेल मेटल ढोकरा शिल्प का, लोहा शिल्प का, टेराकोटा मट्टी शिल्प का, वुड कार्विंग लकड़ी शिल्प का, पत्थर स्टोन कार्विंग शिल्प का, बांस शिल्प का, कौड़ी शिल्प, बुनकर शिल्प, भित्ति चित्र और जितने जो कलाकृति है उसको मैं लेके चला संस्था के माध्यम से, और संस्था के माध्यम से पूरे भारत में विभिन्न जगह में प्रदर्शनी करना शुरू किए, तो उस पे जो लोकप्रिय हुआ हमारी संस्था, और उसके माध्यम से लोगों को सामूहिक विकास हो रहा है बस्तर के शिल्पियों को, और सामूहिक कला का भी विकास हो रहा है, शिल्पी का भी विकास हो रहा है। डॉक्टर जयदेव बघेल जी आज एकदम सरल और विनम्र व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं, और आज उन्हें शासन पद्मश्री से सम्मानित करने की योजना बना रही है। मैं खीरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।